हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं बर्फ का गोला घर पे। तो उसके लिए हमें जो मेन इंग्रेडिएंट लेना है, आइस क्रश लेना है। आइस को आप बारीक कूट लीजिए। और उसके साथ मैंने यहाँ पे लिया ये रोज़ का शरबत, रोज़ एसेंस है ये। और मैंने थोड़ा सा ये तरबूज का जो है ये भी जूस लेके रखा है। तो आपको जिस भी कलर का आपके घर शरबत अवेलेबल हो, आप उस कलर का गोला खा सकते हैं। तो ये प्रोसेस शुरू करते हैं। गोला बनाने के लिए हमें जो क्रश आइस है, इसको हमें एक ग्लास में अंदर फिल करना है, अच्छी तरीके से दबाते हुए इस तरह से। इसको ऐसे दबाते जाना है अच्छी तरीके से। और दबाने के बाद डालते जाना है और ऐसे प्रेस करते जाना है। जितना ये प्रेस हो जाएगा उतने अच्छे से ही होगा। अगर इसके लिए आपको और कोई चीज आपके पास इतनी छोटी हो तो आप उससे भी दबा सकते हैं, आप ऐसे हाथ से भी दबा सकते हैं। जैसे मैं दबा रही हूँ, जितना ये दब जाएगा उतने आसानी से हमारा बर्फ का गोला बन जाता है। और ये अच्छी तरीके से प्रॉपर आपको ऐसे दबाना है जब तक ये अंदर की तरफ पूरी तरह से ऐसे प्रेस नहीं। मैंने ये ग्लास ले लिया, इससे मैंने इसको दबा दिया। दबाने के बाद, क्योंकि बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी गर्मी का टाइम है, अब इसमें हम डालेंगे हमारा रोज सिरप। रोज सिरप डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे हमारा वाटरमेलन का जूस। ऑप्शनल है, आपके पास जितने कलर्स अवेलेबल हैं आप उतने कलर्स इस्तेमाल करिए। रेड कलर के लिए मैं ये दो कलर्स यूज कर रही हूँ। एक तो मैं गुलाब का जो जूस है वो इस्तेमाल कर रही हूँ और दूसरा इस्तेमाल कर रही हूँ वाटरमेलन जूस। तो ये देखिए हमारा ये नीचे अच्छे से बैठ गया है। और इसका और उसके बाद आप इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो आप बाहर निकाल दीजिए। अगर बर्फ और सिर्फ ये जो बर्फ वाला है इसको आप ऐसे, अगर आपके पास डंडी है तो इसमें आप डंडी डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे ग्लास को यूं पकड़ के आप ऐसे बाहर निकाल दीजिए। और ये देखिए हमारा बर्फ का गोला जो है वो बिल्कुल बन के रेडी है। और इसके ऊपर ये जो हमारा पानी बचा हुआ था, जो जूस हमने बाहर निकाला था, ये भी हम ऊपर से ऐसे डाल सकते हैं। और बस इसको ठंडा ठंडा बच्चों को सर्व करिए, बहुत ही मज़ेदार। और ये देखिए हमने इसको ग्लास से इसमें पलट दिया और ये कितना अच्छा हमारा बर्फ का गोला बन के रेडी है। आप इसको ऐसे के ऐसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब खाना हो आपको निकाल के इसको ठंडा ठंडा सर्व करिए और बच्चों को घर पे बर्फ का गोला बना के खिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। थैंक यू एवरीवन।